लोकसभा में अध्यक्ष पद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया है, वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से के सुरेश ने नॉमिनेशन फाइल किया है। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और बताया कि विपक्ष ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। दरअसल कल यानी बुधवार को अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। के सुरेश ने कहा, मैंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, यह पार्टी का फैसला है, मेरा नहीं। लोकसभा में परंपरा है कि अध्यक्ष सत्ता पक्ष से होगा और उपाध्यक्ष विपक्ष से होगा। उपाध्यक्ष हमारा अधिकार है, लेकिन वे इसे हमें देने को तैयार नहीं हैं। सुबह 11:50 तक हम सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए हमने नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं से फोन कर अध्यक्ष पद के लिए समर्थन मांगा था, जिसका जिक्र मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी किया। राहुल गांधी का कहना था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का फोन आया, उन्होंने खड़गे से अपने स्पीकर के लिए समर्थन मांगा। विपक्ष ने साफ कहा है कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर मिले। राजनाथ सिंह ने कल शाम कहा था कि वे खड़गे को दोबारा कॉल करेंगे, उनका कोई जवाब नहीं आया। राहुल गांधी टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक वरिष्ठ नेता है और मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक मेरी उनसे 3 बार बातचीत हो चुकी है। वहीं केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि अध्यक्ष के चुनाव के लिए विपक्ष का शर्त रखना अच्छी बात नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, लोकतंत्र शर्तों पर नहीं चलता। बता दें कि कांग्रेस के नेता सुरेश केरल के मवेलीकारा से सांसद हैं। वह 8 बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ 2012 से 2014 के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उन्हें कांग्रेस ने करेल अध्यक्ष की कमान भी सौंपी थी। इसके अलावा AICC के सचिव भी रह चुके हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत चुनाव कराया जाता है। सांसदों में से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर चुना जाता है। प्रस्तावित नाम पर आम सहमति न होने पर चुनाव होता है और चुनाव से 1 दिन पहले सांसद समर्थन का नोटिस देते हैं। अगर नाम पर सब सहमत होते हैं तो चुनाव नहीं होता है। जीत के लिए आधे से ज्यादा मौजूदा सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। किसी अन्य शर्त या योग्यता को पूरा करना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ पद का उम्मीदवार लोकसभा का सदस्य होना चाहिए।